आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, a pea plant producing yellow colored and round seeds is given with unknown genotype. Explain how would you find the correct genotype of the plant with respect to the two traits mentioned. Work out the cross and name it. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक पी प्लांट है जिसका जो फिनोटाइप है वो है येलो एंड राउंड सीड्स, उसके सीड्स हैं येलो कलर के एंड राउंड हैं, तो उसका हमें जीनोटाइप नहीं पता है। हमें क्या करना है, हमें उसका जीनोटाइप बताना है एंड वो कैसे बताना है, हमें क्रॉस के थ्रू, एंड बताना है कि हम इसका जीनोटाइप कैसे कर पाएंगे, किस क्रॉस के थ्रू। तो अननोन जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ क्रॉस कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ट्रेट है वो है येलो एंड राउंड, तो पी प्लांट के केस में येलो कलर ऑफ सीड एंड राउंड शेप ऑफ सीड जो होती है वो डोमिनेंट अलील्स का फिनोटाइप है। सो दिस इज डोमिनेंट। तो क्या होता है कि फिनोटाइप तो येलो एंड राउंड है, बट हमें जीनोटाइप क्यों नहीं पता है, बिकॉज डोमिनेंट के केस में जो इसका जीनोटाइप होगा वो होमोजाइगस भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस भी, ठीक है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस के केस में क्या होगा कि जो दोनों अलील्स हैं वो सेम होंगी, वेयर एज हेट्रो में डिफरेंट होंगी। हम देखते हैं कैसे, जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें क्या करते हैं कि जो जिस का हमें जीनोटाइप पता करना है टेस्ट ऑर्गेनिज्म का, उसका क्रॉस करते हैं विद द रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, बिकॉज जो भी ट्रेट होगा रिसेसिव ट्रेट उसका जीनोटाइप ऑब्वियसली होमोजाइगस ही होगा, तभी वो रिसेसिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो हमें दिख रहा है उसमें जो भी रिसेसिव ट्रेट्स हैं, तो इस केस में क्या होते हैं, येलो का रिसेसिव ट्रेट है ग्रीन एंड राउंड का है रिंकल्ड, तो ये रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं पी प्लांट के, ठीक है। तो ये हो गया रिसेसिव। तो हम जो प्लांट है वो लेंगे ग्रीन एंड रिंकल्ड प्लांट, उसका क्रॉस करेंगे हमारे टेस्ट से, तो टेस्ट वाले का होमो या हेट्रो हो सकता है। तो पहले यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है कि ये रहा वो हमारा रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, उसका जीनोटाइप, एंड ये है हमारा टेस्ट। तो टेस्ट में हमने इनिशियली देखा कि हम इसको होमोजाइगस कंडीशन ले रहे हैं, दैट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ये जो डोमिनेंट एलील्स हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। देन फिर हमने सेकेंड क्रॉस किया जिसमें कि हमने जो ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप लिया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मींस एक डोमिनेंट एलील है एंड एक उसी की रिसेसिव एलील है, देन एक राउंड की एलील है दैट इज डोमिनेंट एंड एक रिंकल्ड की एलील है दैट इज रिसेसिव वन। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब दोनों टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स क्या होंगे उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि जीनोटाइप क्या होगा। देखो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, जो गेमीट्स फॉर्म होंगे वो इसके हो जाएंगे वाई एंड आर सेम टाइप के, एंड सिमिलरली इसमें भी गेमीट्स फॉर्म होंगे सेम टाइप के, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस करते हैं इनके बीच तो क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी सारे ये ऑफस्प्रिंग्स हैं ये सब क्या हैं, येलो एंड राउंड, ठीक है। सो ये हो गए ऑल आर येलो एंड राउंड। देन अगर हम बात करें हेट्रोजाइगस की, अगर इनकेस जो हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो उस केस में क्या होगा, बिकॉज वो हेट्रोजाइगस है तो फोर डिफरेंट काइंड्स के गेमीट्स बनेंगे, ये यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल वाई कैपिटल आर देन स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर, वेर एज यहाँ पे तो सेम टाइप का ही गेमीट बनेगा विद स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो जो एफ वन होगा प्रोजेनी वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पे मैंने क्रॉस शो किया है, यहाँ पे देखो ये तो हो गया येलो एंड राउंड, ये क्या है, ये है येलो एंड ग्रीन, देन ये हो गया, सॉरी दिस इज, हाँ दिस इज येलो एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रीन एंड रिंकल्ड, एंड ये भी हो जाएगा ग्रीन एंड राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है ये चार डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1:1:1:1, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो जो कि हम देख सकते हैं। तो क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बताएंगे कि क्या है, क्योंकि जीनोटाइप तो हम देख नहीं सकते, सिर्फ फिनोटाइप देख सकते हैं,
तो अगर हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है, यहाँ मैं लिख देती हूँ होमोजाइगस, तो जो F1 प्रोजेनी होगी उसमें सारे येलो एंड राउंड सीड्स होंगे. वेर एज अगर हमारा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोजाइगस है, अगर उसका जीनोटाइप ये है, तो जितने भी F1 प्रोजेनी है उसमें रेशियो होगा 1:1:1:1 विद येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड सीड्स. तो ये हो गया हमारा आंसर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.